ई फेवरेट यूट्यूबर्स डायरेक्ट फ्रॉम मोपलेट मोडेट डॉट कॉम इज द फर्स्ट वन जो इसको यूट्यूब पर लेके आया था जिसने इसके बारे में बात शुरू करी थी मैं इसको सिंपलीफाई करने वाला हूं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए एंड इसको बताने वाला हूं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेम द बिगिनिंग सो so, स्टेरॉइड्स की तीन कैटेगरीज होती हैं नंबर वन होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे अंदर दे आर बेसिकली एंड्रोजन लाइक सेक्स हॉर्मोन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन टेस्टोस्टेरॉन नेचुरल और सिंथेटिक एक्सेट्रा दीज गि एंड हैव द मोस्ट साइड इफेक्ट सिंस ये आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बॉन्ड करते हैं दीज गिव यू एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट लाइक मेल पैटर्न बॉलनेस

छे परसेंट प्लांट्स के अंदर भी ये एग्डी स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं बट दे आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स विच आर नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस राइट नाउ फिकर नहीं करो कीड़े नहीं खाने पड़ेंगे <laughs> आपको सिर्फ उनके हॉर्मोन्स खाने पड़ेंगे वेल well, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में आ चुके हैं थ्रू किनोआ स्पिनच ओट्स एटसेट्रा इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज से मेरा मतलब है लेस देन और इक्वल टू वन मिलीग्राम दिस बेसिकली शोज कि ये नेचुरली पाया जाता है इट्स नॉट समथिंग मेड बाय मैड साइंटिस्ट सो ये काम कैसे करते हैं देखिए सो नाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉय दे बॉन्ड विद द एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स इन योर बॉडी आपकी बॉडी में जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ए एस उनसे बॉन्ड करते हैं एक्डी स्टेरॉयड ज्यादा हैंड आपके एंड्रोजेनिक सिस्टम्स को टच नहीं करते दे बॉन्ड विद रिसेप्टर्स नेमली नेमलीस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा सुन के आप सब ट्रिगर हो गए मुझे पता है ईस्ट्रोजन से सब इतना डरते हैं सोचते हैं इसको सबसे कम रखना है बॉडी में नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी आपकी गलती नहीं है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही ईस्ट्रोजन को इतना डिमोनाइज किया जाता है ऐसा नहीं है दो ईस्ट्रोजन ओवर हंड्रेड बेनिफिट इन मेल्स एंड इन फीमेल्स, इंक्लूडिंग इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, मसल बिल्डिंग एटसेट्रा दिस इज एग्जैक्टली वाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स यूज वो एक डेरिवेटिव यूज करते हैं जो अरोमोटाइज करके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है बैलेंसिंग दस्ट्रोजन टू टेस्टोरॉन रेशियो

आपको कोई भी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं आने वाले नो गाने नो मेल पैटर्न बॉलनेस नो टेस्टिकुलर एट्रोफी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला यही एक रीजन है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को इतना सोच समझ के यूज करना पड़ता है क्योंकि वो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर से बॉन्ड करते हैं आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देते हैं स्पेशली इन द लॉन्ग टर्म आपको भी एक्साइटमेंट हो रही होगी मुझे भी हो रही है डज इट वर्क लेट्स सी वोट रिसर्च इज टू से So, पहली स्टडी जो डेरेक्ट ने भी यूज करी थे अपने वीडियो में right इस गोना बी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। इस स्टडी में रैट्स लिए गए थे प्री एंड पोस्ट प्यूबर्टी सिंस वे टेस्टिंग थिंक इट्स इनको मल्टीपल कंपाउंड्स दिए गए थे इंक्लूडिंग टू एक्टेर एंड टर्करोन इसमें और कंपाउंड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेरोबॉल इज नेम फॉर बॉल डायनाबॉल्ड के टाइम से यूज होता आ रहा है इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट स्टेरॉइड्स इन द होल वर्ल्ड अब इन स्टडीज में क्या देखा गया इनमें देखा गया दीज थ्री कंपाउंड ऑन एक्चुअली बीट डायनाबॉल नाउ दिस इज प्रेटी इम्प्रेसिव वाई इज दिस इंप्रेसिव बिकॉज डायनाबॉल एक्चुअली एंड्रोजेनिक रिसेप्टर से बॉन्ड करता है एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड माना जाता है टर्केस्टर एक्चुअली बीट इट वाइल्ड बॉन्डिंग विद ईस्ट्रोजेन रिसेप्ट टने में चले जाना पहली चीज तो ये दूसरी चीज इन्होंने इसलिए सब चीजों की रिसर्च में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल सिर्फ भारी होना है आई होप नॉट और प्राइमरी गोल इज ऑलवेज गी टू गेट बेटर टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड टू गेट मोर मसल सो डिस फिकर नहीं करो आई डॉक डीपर इन टू रिसर्च फॉर यू इसके लिए एक और स्टडी है द नेक्स्ट स्टडी जो हम देखने वाले हैं थैंकफुली इज एन स्टडी इसमें फोर्टी सिक्स हैड एक साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 10 हफ्तों के लिए फॉर 10 वीक्स एंड द ओनली अदर सप्लीमेंट दप्लीमेंट गिवन वॉज लूसिन इसमें चार ग्रुप्स में बांटा गया था लोगों को नेमलीसी वन ई सी टू प्लेसीबो एंड द कंट्रोल्ड ग्रुप EC1 ko diya gaya 200 mg of ecdysterone every single day EC2 was given four times the dosage that is 800 mg per day a placebo group that received nothing and a control group that did not get anything no supplementation no training and no ecdysterone basically regular people isme dekha gaya, the EC1 and EC2 groups gained significant amount of muscle compared to the placebo and the control group EC1 gained about 1.5 kgs of lean muscle in 10 weeks, whereas EC2 gained about 2 kgs of muscle. Now, this is the stats, this is the average. This can also mean that 2 kgs is up, or 1.5 is niche. Everyone responds differently to compounds. I will tell you this: even though EC2 ka jo dose tha, that was 4 times the dose of EC1, there is a difference in muscle gain. The sad thing is that the placebo group actually lost muscle. There was significant improvement in squat and bench press 1 rep max. Best part, no androgenic side effects at all, and their blood markers were clean. Now, this experiment a very funny. Cheez hui. What was that? When EC1 and EC2 ko dose diye gaythe, they were not actually the doses mentioned on the label of the box of the supplement. Label mentioned 100 mg per tablet, but actually, it 6 mg. So, basically, first group was 12 mg, and second group was 48 mg only. Seeing that the groups had such wonderful results, even with such small dosages, is mind-boggling. Problem here is that in this experiment there were very few doses used doses. So I'm going to add one more study for you guys. The third study is another human study. In this study, there were again 45 subjects over the age of 20, and they had one year of training experience again. This experiment was done for eight weeks, and the subjects were given three different different compounds, namely methoxyisoflavone. इस नहीं है इसके साथ एनर्जी ड्रिंक्स बट नथिंग एल्स दीस पीपल वर्क डाउट फोर टाइम्स अपर एंड लोअर स्प्लेट विद वेरी हाई वॉल्यूम इनकी ट्रेनिंग से यह देखा गया देख फ्री मा और मसल सब वर्कआउट कर ही रहे थे तो मसल तो गेन होना ही था ज्यादा डिफरेंस नहीं था सबके मसल गेन में जो लेग प्रेस का वन रेप मैक्स था दैट ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड बट बेंच प्रेस पे इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया सारे कंपाउंड्स बहुत अच्छे से टॉलोरेट किए गए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए ब्लड मार्कर्स चेंज नहीं हुए बट दैड पार्ट इज एडीट डिड नॉट वर्क हियर एक लास्ट स्टडी है मेरे पास इट्स अ रशियन स्टडी तो उसका मैं एक साइटेशन उसका एक पार्ट लेके आया हूं उसमें कुछ और ही बात हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में क्या था देवर थ्री ग्रुप्स one was a protein only group the second was a protein plus egg-de-sterone group and third was a placebo group they had 78 highly trained male and female athletes isme jo protein group it actually showed a slight increase in muscle mass obviously in just 10 days again the sad part is the placebo group actually lost muscle kar the protein plus egg-de-sterone group actually had 10% increase in muscle mass while reducing 10% of body fat. I did not say 10% of body fat percentage, I'm talking about the total body fat. Iska malab person has 20% body fat, uska fat mass is 20 kgs. Uska 10% who about 2 kgs. So from those 20 kgs of fat, they drop 2 kgs, which is 18 kgs, and total unka weight ho geada, 198 while gaining muscle mass by 10%.

अनलाइक साउंड पीईडीस प्रो हॉर्मोन्स एक्सेट्रा ये एक सप्लीमेंट जो अभी तक बैन नहीं किया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन से सो so, अगर आप कंपीट करते हैं आप ये ट्राई करते हैं वादा के वॉचलिस्ट में इसके रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं इट कैन बी बैंड और इट कैन बी द नेक्स्ट क्रिएटिन आप क्या सोचते हैं कमेंट एन लमिनो आपको जो मैं कहना चाहता हूं अगर आपको ट्राई करना है गो फॉर इट लोअर डोजेस पे स्टार्ट करिए धीरे धीरे बढ़ाइए कोई भी साइड इफेक्ट आए स्टॉप एस एप एंड टॉक टो डॉक्टर सबके सेम रिजल्ट नहीं आने वाले सो प्लीज प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्ट अगर आपके लिए काम नहीं करता तब तक फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन फोकस ऑन योर ट्रेनिंग एंड योर रिकवरी अच्छे से खाओ अच्छे से वर्कआउट करो अच्छे से सो इससे अच्छे रिजल्ट आपको कुछ नहीं देगा सीखिए आपकी बॉडी को क्या सूट करता है एंड कीप डूइंग दैट कंसिस्टेंटली आई होप यू एंजॉय द वीडियो इफ यू डेड प्लीज डो नॉट फॉरगेट लीव अ थम्स अप एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज आई लव यू ऑल